अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। BCD Tech के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro और यह है Xiaomi का Redmi Note 5। और देखा जाए इन दोनों फ़ोन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि दोनों ही फ़ोन के अंदर आती है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। साइज भी दोनों फ़ोन का लगभग बराबर है और इवन वेट भी लगभग बराबर है। दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको मिल जाएगी 4000 mAh की बैटरी, माइक्रो USB पोर्ट है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों ही फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की साइड को आपको मिल जाएगा, और इवन दोस्तों जो मेन कैमरा है Redmi Note 5 Pro के ऊपर बिल्कुल सेम वैसा ही कैमरा Redmi Note 5 में भी है। तो अधिकतर चीज़ें जो कि Redmi Note 5 Pro में है आपको Redmi Note 5 के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पहला Redmi Note 5 Pro के अंदर है ड्यूल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का मेन और 5 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी सेंसर, जबकि इस फोन के अंदर है सिंगल रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल का। आगे वाला कैमरा भी दोनों फोन में डिफरेंट है। Xiaomi Redmi Note 5 Pro के अंदर आपको मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जबकि Redmi Note 5 के अंदर है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। दोनों के अंदर प्रोसेसर भी अलग अलग हैं। Redmi Note 5 Pro के अंदर आपको मिल जाएगा Qualcomm का Snapdragon 636 चिपसेट जो कि Cairo 260 आर्किटेक्चर पर चलता है, जबकि Redmi Note 5 में है Qualcomm का Snapdragon 625 चिपसेट जो कि A53 आर्किटेक्चर पर चलता है। दोनों फोन के अंदर रैम भी डिफर है। इस फोन के अंदर है LPDDR4 रैम जबकि Redmi Note 5 के अंदर है LPDDR3 रैम। प्राइस की बात करें तो Redmi Note 5 Pro आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में 2000 रुपये महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू Redmi Note 5। तो यहाँ पर डिफरेंस बहुत ही कम है। अधिकतर चीज़ें जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में मिल रही है आपको Redmi Note 5 में भी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मैं Redmi Note 5 Pro के पार्ट्स को Redmi Note 5 में लगा सकता हूँ, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन दोनों फोन्स को खोल लेते हैं। बैक कवर की बात करें तो बैक कवर दोनों ही फोन का डिफर करता है, बस फिंगरप्रिंट सेंसर आपस में मैच कर रहा है। आप देख सकते हो कि सिम ट्रे का जो कटआउट है वो भी मैच नहीं कर रहा है, एंटीना वाला जो पोर्शन है मतलब प्लास्टिक वाला पोर्शन है वो भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए आयर ब्लास्टर वाला पोर्शन, इवन 3.5 mm का जैक, इवन वॉल्यूम और पावर कीज, और साथ में दोस्तों नीचे वाले पोर्ट्स ये भी आपके परफेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब कि बैक कवर तो दोस्तों दूर तक भी कहीं मैच नहीं करता है। अगर बैटरी की बात करें तो बिल्कुल सेम साइज़ की सेम डायमेंशन की बैटरी है, बट आप इनको आपस में स्वैप नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉडल डिफर करता है। यह है BN45, यह है BN44, और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इनके कनेक्टर के ऊपर। इसका कनेक्टर कुछ इस टाइप का है, इस केस में आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। LCD की बात करें तो दोनों ही फ़ोन के अंदर बिल्कुल सेम LCD है 5.99 इंच की, बट यहाँ पर इनके कनेक्टर में डिफरेंस है। देख सकते हो कि इसका कनेक्टर थोड़ा सा बेजल की साइड को है जबकि Redmi Note 5 में ये बेजल से दूर है, तो ये आपस में स्वैप नहीं हो सकती हैं। और इवन अगर आप कैमरे की कटआउट या फिर प्रॉक्सिमिटी AMOLED की कटआउट देखोगे तो दोस्तों आपस में आप इनको भी स्वैप नहीं कर पाओगे, मतलब कि डिस्प्ले पैनल भी आपका स्वैप नहीं हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों रिसीवर स्पीकर के ऊपर। रिसीवर स्पीकर भी दोस्तों दोनों फ़ोन का अलग अलग डायमेंशन का है, तो ये भी आपस में स्वैप नहीं होगा। इवन दोस्तों आप यहाँ पर फ्लैश LED को भी स्वैप नहीं कर सकते हो, देख सकते हो कि इसमें फ्लैश LED यहाँ पर है और उसका कनेक्टर कुछ इस टाइप का है, इस केस में ऐसा है। पावर कीज़ को भी आपस में आप स्वैप नहीं कर सकते हो, इस केस में पावर कीज़ कुछ ऐसी हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी हैं। और दोस्तों यहाँ पर सब PB सेक्शन की बात करें तो ये भी आपस में स्वैप नहीं सकता, देख सकते कि इसमें कुछ ऐसा कटआउट दे रखा है, और ये कटआउट वाइब्रेटर मोटर के लिए है जबकि इस केस में वाइब्रेटर मोटर ऊपर की साइड को है, तो मतलब कि ये भी स्वैप नहीं सकता। और इवन दोस्तों सब PB सेक्शन भी स्वैप नहीं सकता। और अगर कोएक्सल केबल की बात करें जो कि Redmi Note 5 में है कुछ इतनी बड़ी और इस केस में है कुछ इतनी बड़ी, तो ये आपस में स्वैप हो सकती हैं। अगर इनकी साइजेस सेम हो जाएं तो दोस्तों डेफिनेटली ये स्वैप हो सकती हैं, इनके साइजेस लगभग बराबर हैं, तो दोस्तों कोएक्सल केबल आप स्वैप कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर सिम ट्रे की बात करें तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन के अंदर बिल्कुल सेम साइज़ की सेम डायमेंशन की सिम ट्रे है, तो आप डेफिनेटली इनको स्वैप कर सकते हो। लाउड स्पीकर बोर्ड की बात करें तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन के लाउड स्पीकर बोर्ड बिल्कुल डिफर करते हैं, देख सकते हो कि इस केस में जो कनेक्टर है वो कुछ इस टाइप का है जबकि इस केस में ऐसा है, और यहाँ पर वाइब्रेटर मोटर यहाँ लगी हुई है जबकि इस केस में ऐसी नहीं है, तो यहाँ पर यह भी स्वैप नहीं हो सकता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर
बिल्कुल ही अलग हैं, साइज़ में शेप में डिफर करते हैं, और इवन दोस्तों कनेक्टर भी इन दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पर आप इनको भी आपस में स्वैप नहीं कर सकते हो। मदरबोर्ड की बात करें तो दोस्तों दोनों फ़ोन के मदरबोर्ड बिल्कुल अलग हैं, आप इन दोनों को आपस में स्वैप नहीं कर सकते हो। देखो देखिए यहाँ पर 3.5 mm का जैक ऊपर की साइड को है, जबकि इस केस में ये नीचे की साइड को है, तो ये आपस में स्वैप बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी ड्यूल टोन LED फ्लैश, मतलब कि दो LEDs हैं और दोनों अलग अलग कलर के हैं, जबकि इस केस में भी आपको दो LEDs मिल जाएंगी, बट ये आपकी सेम कलर की हैं, तो मदरबोर्ड भी आपस में स्वैप नहीं सकते हैं। अब दोस्तों एंटीना बोर्ड्स की बात करें तो एंटीना बोर्ड दोस्तों Redmi Note 5 में बड़ा है Redmi Note 5 Pro से, तो यहाँ पर ये भी आपस में स्वैप नहीं होगा। रियर कैमरे की बात करें तो ऑल्दो इन दोनों फोन्स के अंदर मेन सेंसर सेम है, मतलब कि 12 मेगापिक्सल के हैं, बट आपस में आप इनको स्वैप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टर की पोजीशन है वो डिफर करती है। देख लीजिए यहाँ पर कनेक्टर ऊपर की साइड को है, जबकि इस केस में कनेक्टर नीचे की साइड को है, तो ये आपस में स्वैप नहीं हो सकते हैं। जबकि फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये भी आपस में स्वैप नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर इनका जो कनेक्टर है वो टोटली डिफर करता है। आइए मैं आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा Redmi Note 5 में लगा के दिखा देता हूँ, तो ये दोस्तों कनेक्ट नहीं होगा, देख लीजिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टर अलग अलग हैं, जबकि अगर मैं इसका अपना कैमरा लगाने की कोशिश करूँ तो ये कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कनेक्टर अलग अलग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिवाय सिम ट्रे और कोएक्सल केबल के मैं इन दोनों फोन्स में कोई भी चीज़ आपस में स्वैप नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर बैटरी, LCD, पार्ट्स कोई भी स्वैप नहीं होते हैं, तो Redmi Note 5 Pro का कोई भी पार्ट Redmi Note 5 में नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, मुझे लगता है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों को भी पता चल पाए कि इनके पार्ट्स आपस में स्वैप नहीं सकते हैं। ऑल्दो ऑन पेपर काफ़ी सारी चीज़ें मैच करती हैं बट आपस में स्वैप नहीं सकती हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।